हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सबको। डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट पर देखिए, हमारे एक नया चैनल भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है डिफेंस प्रो। इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आप आए ही हुए हैं। ओके, डिफेंस एग्जाम्स इन 10, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। और डिफेंस 101, ये सारे चैनल्स में आपको डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और पढ़ाई जाती हैं। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आप पुरानी रिकॉर्डेड वीडियोज़ को देख सकते हैं, लाइव लेक्चर्स को देख सकते हैं। सब्सक्राइब करके आगे आने वाले लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। रेफरल कोड मेरा है भाई, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपके लिए, विकास 1। ओके, इससे क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अपने प्लस सब्सक्रिप्शन पर, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी के लिए। तो आप ये रेफरल कोड विकास 1 यूज़ करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट का फ़ायदा ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेना में फ़ायदा क्या है, वो ये फ़ायदा है कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे और प्रैक्टिस मटेरियल बहुत ज़्यादा है। लाइव टेस्ट एंड क्विज वगैरह आपको बहुत ज़्यादा करवाए जाते हैं, तो प्रैक्टिस मटेरियल की कोई कमी नहीं है। एंड अनलिमिटेड एक्सेस, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, यहाँ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। यानी कि जितने भी टीचर आपके प्लस कोर्स पर पढ़ा रहे होंगे, यानी कि प्लस प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जिनके भी प्लस कोर्सेज चल रहे हैं, सारे कोर्सेज आप देख पाओगे। इट्स जस्ट लाइक अ बूफे,
यहाँ आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी, जो आपको पसंद हो वो आप चूज़ कर सकते हो। सो माई रेफरल कोड इज़ विकास वन, एज यू कैन सी आई रिटन इट डाउन हियर। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, डिफेंस एग्जाम्स क्वेस्ट। सो दिस इज़ माई प्रोफाइल। तो आपको विकास राज पाठक सर्च करना है वहाँ जाके एन अकेडमी की ऐप में अपनी में, तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी और आप मुझे फॉलो कर लेंगे, सो दैट कि आप मेरे रिकॉर्डेड सेशंस और आगे आने वाले सेशंस को भी, लाइव आने वाले सेशंस को भी देख पाएँ। तो मैंने पहले से बहुत सारे सेशंस वहाँ पर डाले हुए हैं, मॉक टेस्ट और बिगिनर्स बैच आपका चल रहा है वहाँ पर ग्रामर वालों के लिए। सो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना होता है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे, आपको ये थ्री लाइंस दिख रही हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पर आप ये डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, ये डाउन एरो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे मैनेज गोल्स का ऑप्शन आएगा इस जगह पर, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग कैटेगरीज दिखाई देंगी, जिसमें से आप डिफेंस कैटेगरी, अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी रेलेवेंट एग्ज़ाम की कैटेगरी जैसे NDA, एयरफोर्स या फिर CDS, जो भी आपको चूज़ करना है आप चूज़ करेंगे। सो आफ्टर चूजिंग दैट आपको प्लस इस सेक्शन पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा आ जाएगा, उसमें ये जो गेट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पर पहुंचा जाएगा जो थर्ड इमेज आपको दिख रही है। यहाँ आपको अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग अमाउंट क्या पे करना है आपको वो भी दिया गया होगा। जैसे 12 मंथ्स के लिए 1000 का प्राइस है। ओके, तो आपको क्या, आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ हैव अ रेफरल कोड, इसमें आप रेफरल कोड अप्लाई करते हो। अगर आपने रेफरल कोड अप्लाई किया फिर क्या होगा, जैसे ही आप रेफरल कोड अप्लाई करेंगे आपका 10% अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा वहाँ पर, और जो बाकी अमाउंट बचेगा उसको आप अलग अलग तरीके से डेबिट कार्ड से, EMI, EMI का भी ऑप्शन है, यानी कि अगर आपको लगता है एक बार में आप सारा पेमेंट नहीं कर सकते तो आप EMI पे भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और देखो यहाँ पर EMI का भी ऑप्शन दे रखा है 600 पर मंथ में। सो इफ यू कॉन्ट अफोर्ड इट एट वंस यू कैन टेक इट ऑन EMI ऑल्सो। ओके, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। ये सब हम पढ़ा चुके हैं पहले ही। ओके, देयर वी आर। देखिए वर्ड हमारे पास है मेल, मैली, मॉल या फिर मोली, उन सबका मीनिंग होता है सॉफ्ट से रिलेटेड। ओके, तो जैसे पहला वर्ड देख रहे हो आप मोली, मोली मोलिकोडल। ओके, मोलिकोडल मीन्स सॉफ्ट केयर, ठीक, यानी कि किसी की अच्छे से केयर करना, मीन्स टू शो एक्सेसिव लव, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिखाना किसी को। एग्जाम्पल देखिए, एवरी मदर ट्रीट्स अ चाइल्ड इन अ मोलिकोडल वे, यानी कि हर जो मदर है अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करती है, मोलिकोडल वे में, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो। मोलीफाई का मतलब होता है सॉफ्ट, टू अपीज समवन, यानी कि किसी को अपीज करना, किसी की तारीफ करना, किसी को खुश करना। एग्जाम्पल देखो, रमेश इज अपसेट राइट नाउ, आई नीड टू मोलीफाई हिम, यानी कि रमेश अभी अपसेट है और मुझे मोलीफाई करना पड़ेगा, उसको खुश करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, उसकी तारीफ करने से, उसको कुछ दे के, कुछ जोक सुना के। नेक्स्ट आपके सामने है एमोलिएंट। एमोलिएंट क्या होगा, देखो सॉफ्टनिंग एजेंट लाइक अ क्रीम, ये होता है एक सॉफ्टनिंग एजेंट होता है लाइक अ क्रीम, जैसे कोई मशीन है उसमें ऑयल डालते हो आप सॉफ्टनिंग ऑयलिंग करने के लिए, सो दैट कि वो स्मूथली वर्क करे, तो इसी तरीके से एमोलिएंट भी होता है, सॉफ्टनिंग एजेंट होता है लाइक अ क्रीम, ठीक है। जैसे कभी भी आपका हाथ पैर जल जाते हैं तो आप कुछ सॉफ्टनिंग एजेंट क्रीम जैसे लगा लेते हो, बहुत से लोग टूथपेस्ट भी यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है बर्निंग नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यू शुड अप्लाई एमोलिएंट ऑन योर हैंड टू रिड्यूस द पेन, यानी कि आपको रिड्यूस करने के लिए, पेन रिड्यूस करने के लिए अपने हाथ पर, ऑन योर हैंड यू शुड अप्लाई एमोलिएंट, आपको एमोलिएंट का यूज़ करना चाहिए। मैली, मैली का मत
मेली फ्लस, यानी कि मेली फ्लस, मेली फ्लस का मतलब हो गया सॉफ्ट फ्लो, मीन्स प्लेजेंट, फ्लोस का मतलब होगा फ्लो, और मॉली का, मेली का मतलब हो गया आपका सॉफ्ट, तो मेली फ्लस का मतलब हो गया आपका सॉफ्ट फ्लो, मीन्स प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब अच्छा। श्रेया घोषाल हैज़ अ वेरी मेली फ्लस वॉइस, यानी कि श्रेया घोषाल की बहुत ही प्लेजेंट वॉइस है, यानी कि बहुत ही अच्छी आवाज़ है। ठीक, मॉल्टन का मतलब हो गया मेल्ट, पिघलना, ठीक है, पिघला के सॉल्व सॉफ्ट करने किसी चीज़ को। टू द मोल्ड्स वर फिल्ड विद मोल्टन गोल्ड टू मेक गोल्ड बिस्किट्स, यानी कि द मोल्ड्स, यानी कि जो सांचे थे वो किससे भरे थे, मोल्टन गोल्ड से, यानी कि पिघले हुए गोल्ड से भरे हुए, क्यों, गोल्ड बिस्किट्स बनाने के लिए, गोल्ड के बिस्किट्स बनाने के लिए। अब देखो मेलोडियस, मेलोडियस क्या होता है, सॉफ्ट म्यूजिक, यानी कि जो म्यूजिक सॉफ्ट हो उसको बोलेंगे मेलोडियस। अब एग्जांपल देखो, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ अरिजीत सिंह एंड हिज मेलोडियस वॉइस, यानी कि मैं डाई हार्ड फैन हूँ किसका, अरिजीत सिंह का और उसके मेलोडियस वॉइस का, यानी कि उसकी जो सॉफ्ट वॉइस है, उसकी अच्छी वॉइस है, उसका डाई हार्ड फैन। अब देखो मेलो, मेलो का मतलब होता है ड्राई फ्रूट, पके हुए फ्रूट्स। एग्जाम्पल देखो, आई आस्क्ड माई अंकल टू ब्रिंग सम मेलो मैंगोज एज आई लाइक मैंगोज वेरी मच, यानी कि मैंने अपने अंकल से क्या बोला, कुछ पके हुए आम लाने के लिए, क्यों, क्योंकि आई लाइक मैंगोज वेरी मच, मुझे आम बहुत पसंद है। नेक्स्ट आपके सामने है अमेलियोरेट, अमेलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव करना, किसी चीज़ को सुधारना। एग्जाम्पल देखिए, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू अमेलियरेट द टेक्सचर ऑफ द न्यू फेस वॉश, यानी कि कोई फेस वॉश लॉन्च हुआ उसका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, तो क्या किया साइंटिस्ट ने, आर ट्राइंग टू अमेलियरेट द टेक्सचर, उसका टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं वो, सो दैट कि अगली बार जब लॉन्च हो दोबारा से तो उसका फीडबैक अच्छा है। नेक्स्ट आपका जो रूट है वो है नेक्रो, नेक्रो का मतलब होता है डेथ या फिर डेड बॉडी। ओके, अब देखो नेक्रोफाइल, आप सोच रहे होंगे नेक्रोफाइल का मतलब होता है लवर ऑफ अ डेड बॉडी, ठीक है, आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन हो सकता है, लेकिन होते लोग ऐसे भी। वल्चर्स आर द रियल नेक्रोफाइल्स ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जो वल्चर्स होते हैं, गिद्ध होते हैं, वो रियल नेक्रोफाइल्स होते हैं ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के नेक्रोफाइल्स होते हैं, उनको जहाँ डेड बॉडी दिखी वहीं पहुँच जाते हैं। ठीक, नेक्रोमेनिया, नेक्रोमेनिया, मेनिया फॉर डेड बॉडीज़, मेनिया यानी कि पागलपन। और देखो मेनिया रूट है खुद यहाँ पर और एक है नेक्रो, दो रूट बन के एक वर्ड बना है, दो रूट्स को मिला के एक वर्ड बना गया है नेक्रोमेनिया, इसका मतलब होगा आपका मेनिया फॉर डेड बॉडीज़, यानी कि पागलपन। सुनील इज़ सफरिंग फ्रॉम नेक्रोमेनिया, यानी कि सुनील को नेक्रोमेनिया है भाई, उसको पागलपन है डेड बॉडीज़ के बारे में। नेक्रोमेनिया क्या हो गया, अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम नेक्रोमेनिया, जिसको नेक्रो हुआ है नेक्रोमेनियक से, जिनको डेड बॉडी वाला पागलपन है। नेक्स्ट देखें नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया क्या होता है, फोबिया ऑफ डेड बॉडीज, यानी कि डेड बॉडीज से जो डर होता है, फोबिया का मतलब होता है डर। तो यहाँ पर भी देखो दो रूट मिला के एक वर्ड बना दिया, ये भी रूट है ये भी रूट है, नेक्रो का मतलब डेड या फिर डेड बॉडीज, फोबिया का मतलब डर। अनीता वॉज नॉट गोइंग टू नियर द डेड बॉडी बिकॉज शी हैव नेक्रोफोबिया, यानी कि अनीता क्या डेड बॉडी के पास नहीं जा रही थी क्योंकि उसको भाई नेक्रोफोबिया है, उसको डर लगता है। ओके, बिल्कुल भाई, फेयर। नेक्रोफोबिक क्या होगा भाई, अब देखो जिसको नेक्रोफोबिया है वो नेक्रोफोबिक हो गया, अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम नेक्रोफोबिया इज अ नेक्रोफोबिक, यानी कि जिसको नेक्रोफोबिया है, जिसको डेड बॉडी से डर लगता है, वो नेक्रोफोबिक हो गया।
संदीप इज़ नॉट अलाउड इन मॉर्चरी बिकॉज ही इज़ अ नेक्रोफोबिक. संदीप को मॉर्चरी में अलाउ नहीं किया गया, यानी मुर्दाघर में नहीं जाने दिया गया. क्यों? क्योंकि वो नेक्रोफोबिक है. देखो नेक्रो नेक्रो होता है डेड बॉडी, पोलिस पोलिस का मतलब सिटी, ठीक है. नेक्रोपोलिस एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बिग एरिया लाइक अ सिटी वेयर डेड बॉडीज आर बरीड. बहुत बड़ा जो कब्रिस्तान होगा उसको बोला जाता है नेक्रोपोलिस. बहुत बड़ा जो सिटी के बराबर, एक शहर गांव के बराबर जो कब्रिस्तान होगा उसको बोला जाएगा नेक्रोपोलिस, ठीक है. कश्मीर में है एक ऐसी जगह जहाँ पर जो टेररिस्ट की डेड बॉडीज़ हैं उसको दफनाया जाता है, जितने भी मिलिटेंट्स टेररिस्ट मारे जाते हैं उन सबको, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, उसको बोल सकते हो आप नेक्रोपोलिस. द डेड बॉडीज ऑफ सोल्जर्स आफ्टर वर्ल्ड वार टू वर टेकन टू नेक्रोपोलिस टू बर्न. यानी कि जो वर्ल्ड वार टू हुआ था उसके बाद जो सोल्जर्स की डेथ हुई थी वहाँ पर, जो शहीद हुए थे, उनकी डेड बॉडीज़ को लेके कहाँ गया? नेक्रोपोलिस. क्यों? उनको जलाने के लिए, यानी कि उनका दाह संस्कार करने के लिए. हाँ भाई सिमट रही है. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नेक्रो से, नेक्रोमेंसर. देखो वन हु टॉक्स टू स्पिरिट ऑफ डेड बॉडीज, अब वो कहते हैं ना आत्माओं से बात करने वाला, उसको बोला जाएगा नेक्रोमेंसर, जो आत्माओं से बात करते हैं, ठीक है. गणेश वेंट टू अ नेक्रोमेंसर टू सॉल्व द इश्यूज रिलेटेड टू हिज हॉन्टेड हाउस. यानी कि गणेश के घर में क्या होता भाई, उसको डर लगता था, उसको लगता था कोई भूत भूत है, तो उसने क्या किया, नेक्रोमेंसर से कांटेक्ट किया एक से, यानी कि जो आत्माओं से बात करने वाले होते हैं उनसे कांटेक्ट किया इशू पता लगाने के लिए, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है. नेक्रोमेंसी क्या होगा? द प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू स्पिरिट्स ऑफ डेड बॉडीज, यानी कि आत्माओं से बात करने का जो प्रैक्टिस होता है उसको बोला जाता है आपका नेक्रोमेंसी. फरहान इज़ अ मास्टर ऑफ नेक्रोमेंसी. फरहान मास्टर है किसका? नेक्रोमेंसी का, यानी कि आत्माओं का, आत्माओं से बात करने का मास्टर है फरहान. इसकी PDF भाई मिल जाएगी, कहाँ अपलोड करूँ, स्पेशल क्लास में ऐड कर दूँगा भाई आज वाली में इसकी PDF, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना. अब देखो नेक्स्ट वर्ड है आपका साइड. जैसे नेकरो था रूट, अब नया रूट है आपका साइड. इसका मतलब होता है किलिंग या फिर किलर, यानी कि मारना या फिर मारने वाला. अब जिस भी वर्ड के साथ ये जुड़ गया हो उसमें किसी न किसी की मौत हो रही होगी, ठीक है भाई. डेड बॉडीज, डेथ, सब इसके इस रूट निकल रहे हैं, क्या चक्कर है भाई. पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड क्या होता है? किलिंग या फिर किलिंग ऑफ अ फादर. पैट्री का मतलब होता है फादर. पैट्रीसाइड का मतलब किलिंग ऑफ अ फादर, यानी कि किलर ऑफ अ फादर, ठीक है. आरव इज ए गिल्टी ऑफ पैट्रीसाइड एंड, अभी भाई स्पेस लगना था यहाँ पर, गॉट कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम, फॉर द क्राइम. यानी कि आरव ने क्या किया, अपने फादर को मार दिया और उसकी वजह से उसको कन्विक्टेड हो गया, वो जेल हो गई इस अपराध के लिए. मैट्रीसाइड, अब देखो मैट्री का मतलब होता मदर. अब ये क्या हो गया, किलिंग ऑफ अ मदर या फिर किलर ऑफ अ मदर. मैट्रीसाइड इज़ अ नॉन बेलेबल क्राइम इन इंडिया, यानी कि मैट्रीसाइड एक नॉन बेलेबल क्राइम है, इसकी जमानत नहीं होगी भाई. सोरोरीसाइड, किलिंग ऑफ अ सिस्टर. अब देखो भाई सबको मरवा रहा है, पहले फादर को, फिर मदर को, अब सिस्टर को. द एक्ट ऑफ किलिंग योर ओन सिस्टर इज़ नॉन एज सोरोरीसाइड, यानी कि अपने खुद की बहन को मारने का जो एक्ट है उसको क्या बोला जाएगा, सोरोरीसाइड. नेक्स्ट देखो रेजिसाइड. रेजिसाइड का, रेजी का मतलब होता है किंग, ठीक. किलिंग या फिर किलर ऑफ किंग्स, ठीक है, उसको बोला जाएगा रेजिसाइड. लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रेजिसाइड कैन बी सीन इन द गेम ऑफ थ्रोन्स. अब गेम ऑफ थ्रोन्स एक
टीवी सीरीज है, उसमें क्या होता है राजाओं को मारते रहते हैं एक दूसरे को, क्योंकि बहुत सारे किंग मारे जाते हैं इसमें भाई, तो उसको बोल सकते हो। लॉट ऑफ एग्जांपल आपको मिल जाएंगे यहाँ पर रेजी साइड के, यानी कि राजाओं को मारने के। बोवी कैटल होता भाई, और साइड का मतलब मारना, बोवी साइड यानी कि किलिंग या फिर किलर ऑफ अ कैटल। ठीक, द एक्ट ऑफ किलिंग कैटल्स इज नोन एज बोवी साइड। ठीक है, होमिसाइड क्या होता है, किलिंग या फिर किलर ऑफ अ ह्यूमन, किसी ह्यूमन को मारना नॉर्मल। ठीक है, किसी का भी मर्डर कर देना उसको होमिसाइड बोला जाएगा। हिटलर वॉज बिहाइंड द होमिसाइड हैपन इन वर्ल्ड वॉर, यानी कि वर्ल्ड वॉर में जो है होमिसाइड हुआ, जो लोगों को मारा गया, वो उसका कारण कौन था, उसका कारण था आपका हिटलर। ओके, नेक्स्ट देखो भाई पॉपुलिसाइड। पॉपुलिसाइड क्या हुआ, किलिंग या फिर किलर ऑफ अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन की पॉपुलेशन को अगर कोई मार दे उसको बोला जाएगा पॉपुलिसाइड। ह्यूज पॉपुलिसाइड वॉज कैरिड आउट अंडर द रूल ऑफ बाबर, यानी कि बाबर के रूल में बहुत ज़्यादा लोगों को मारा गया। ओके, नेक्स्ट है आपका जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या हुआ, किलिंग या फिर किलर ऑफ अ रेस, किलिंग एंड अ किलर ऑफ अ रेस। एग्जाम्पल देखो, पाकिस्तानी मिलिट्री वॉज द कल्प्रेट बिहाइंड द जेनोसाइड हैपन 1971, यानी कि जो जेनोसाइड हुआ किसी रेस का 1971 में, क्या हुआ, बांग्लादेशियों को मारा गया था आर्मी द्वारा, उन पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा बांग्लादेशियों का जेनोसाइड किया गया, उनको मारा जा रहा था। ठीक है, तो उसके लिए बोला गया पाकिस्तानी मिलिट्री वॉज द कल्प्रेट बिहाइंड द जेनोसाइड हैपन इन 1971। एमीसाइड, एमीसाइड का क्या मतलब होता है, एमी का मतलब मैंने अभी भी बताया था ना आपको, एमी रूट पढ़ाया था उसमें, इसका मतलब होता है फ्रेंड, और साइड का मतलब किलिंग, तो किलिंग या फिर किलर ऑफ अ फ्रेंड हो गया इसका। सुरेश इज गिल्टी फॉर द एमीसाइड ही डिड लास्ट ईयर। ठीक है, सुरेश गिल्टी है किस बात का भाई, जो एमीसाइड उसने जो अपने फ्रेंड को हत्या की थी उस लास्ट ईयर, उसके लिए उसको गिल्टी ठहराया गया है। फ्रेट्रीसाइड का क्या मतलब होता है, किलिंग या फिर किलर ऑफ अ ब्रदर, यानी कि भाई को मारना। अब देखो उसने भाई को मरवा दिया भाई, द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ ब्रदर इज नोन एज फ्रेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, सोरोरीसाइड और फ्रेट्रीसाइड। ये चार हो गए भाई, फादर मदर सिस्टर एंड ब्रदर। हर्बिसाइड देखो भाई, किलिंग ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों को ख़त्म कर देना। ठीक है, द एक्ट ऑफ किलिंग और डिस्ट्रॉइंग हर्ब्स इज नोन एज हर्बिसाइड। हर्ब्स को ख़त्म कर देना या उनको मार देना, मार देना क्या होता है, ख़त्म कर देना ही होगा, उसको हर्बिसाइड बोला जाएगा। इन्फेंटिसाइड क्या होगा, नवजात शिशुओं की हत्या कर देना, उसको बोला जाएगा इन्फेंटिसाइड। न्यूली बॉर्न बेबीज को मार देना, एग्जाम्पल, मैनी केसेज ऑफ इन्फेंटिसाइड कैन बी सीन इन इंडियन सोसाइटी। यहाँ मतलब इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे इन्फेंटिसाइड के केस आप देख सकते हो। ठीक है, फोर्टिसाइड, फोर्टिसाइड क्या होता है भाई, बिल्कुल अनबॉर्न बेबी को अबॉर्शन कराने थे लोग, उसको बोल सकते हो आप फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड इज डिक्रीज इन आवर सोसाइटी बिकॉज ऑफ द न्यू लॉ पास्ड बाई द गवर्नमेंट, यानी कि आप जो बच्चे का जेंडर जानने वाला लॉ है कि आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के बच्चे का जेंडर नहीं जान सकते उसके जन्म से पहले, तो वो लॉ आने के बाद क्या हुआ है, फोर्टिसाइड की जो दर है वो कम हो गई है इंडिया में। ठीक है भाई, तो आज के लिए रूट्स वर्ड्स तो इतने ही थे, मैं आपको क्विज दे देता हूँ भाई, क्विज क्रिएट कंडक्ट करवा देता हूँ मैं, पहले तो मैं क्विज क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए भाई। क्विज में जाना कैसे है, फर्स्ट स्टेप है ओपन अनअकैडमी ऐप,
चलो मैं अभी क्विज क्रिएट कर देता हूँ भाई। चलिए जी, क्विज़ के लिए कोड है जीरो फोर फाइव सेवन सेवन नाइन। जीरो फोर फाइव सेवन सेवन नाइन।
चलिए जी, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ, सो दैट यू कैन ऑल्सो सी। वेस द कर्सर, स्टार्टिंग अ क्विज। व्हाई आई कांट सी द कर्सर? Okay, let me show you something on my screen. Rao Das is attempting. Tarapur nuclear power plant is present in which of the following state? Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka or Rajasthan? So I'm having a quiz for current affairs. Okay, option number 1 was correct. Sonia 64. Question number 5. Who is the author of the book Across the Bench: Insight into Indian Military Judicial System? Gyan Bhushan, Anuradha Roy, Teesta Sitalwad and Gina Reinhardt. ज्ञान भूषण, तीस तो शीतलवाड़। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन एयरफोर्स प्लान्स टू प्रिक्योर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एलसीएम मार्क 1A एंड मार्क 2A फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? बोइंग, लॉकेट मार्टिन, Northrop Grumman, HAL. It's an Indian made aircraft, so the HAL should be the correct answer. Option number D was correct. HAL produces the Tejas Mark 1A, Mark 2A. Who among the following minister co-chair the Indo-Russia Intergovernmental Commission on Military and Military Technical Corporation in Moscow, Russia? Defense Minister Rajasthan, Rajnath Singh, Minister of Home Affairs Amit Shah, Prime Minister Modi, Minister of Finance Nirmala Sitharaman. अभी कौन गया हुआ है भाई रशिया के विजिट पर? राजनाथ सिंह वॉज द करेक्ट आंसर। ओके, फॉरगेट द ग्रेट रिवॉर्ड्स।
हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टू चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज डी जी ए एफ एम एस हु इज डी जी ए एम ए एफ एम एस डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज शरद कुमार सराफ अरविंद कुमार समंत गोयल हु इज द आंसर ओके ऑप्शन नंबर डी वॉज करेक्ट नंबर डी गॉट इट ओके स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च द मोबाइल ऑफ अ फोर्थकमिंग डिफेंस एक्सपो 2020 या फिर स्टेटमेंट टू डेल एक्स डिफेंस एक्सपो 2020 भी हेल्ड इन उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ ऑप्शन नंबर सी यूज करेक्ट बोथ ऑफ देम गॉट इट राइट स्टेटमेंट वन The Indian Air Force inducted its first squadron of Su-30 MKI, which are capable of carrying BrahMos supersonic cruise missile. After the induction ceremony of 222 Tiger Sharks fighter squadron were held in Thanjavur Air Base. Choose the correct option given below. Statement Su. Okay, बताइए. Option number C is the right answer. I should give the extra time for these questions, 40 seconds at least. Who is the current chief of Army Staff? Who is CAOS? General Bipin Rawat, General Manoj Mukund Narvane, General Ashok Verma, ya fir inme se koi nahi. Who is chief of Army Staff? Very easy question. General Manoj Mukund Narvane. And both of them got it right. So the next statement, the range of BrahMos missile can be extended up to 400 km as certain technical restrictions were lifted after India became a full member of MTCR in 2016. The missile has been jointly developed by Russia and named after the rivers Brahmaputra and Maswa in Russia. Choose the correct options. Okay, I know the answer. See, both of them are correct and one of them got the right answer. BrahMos ki range bhi badhegi bhaiya 400 se 600 kiya jayega. As Aequivirine 1910th edition of the joint military exercise Aequivirine between India, China, Maldives. Which of the options are correct? 1 at 2, 2, 3, 1, 3. किसके किसके बीच में होती है भाई ये डिफेंस एक्सरसाइज? ओके 3, 4, 5. Consider the following statements. Statement 1 is second edition of defense of Andaman Nicobar Island 2019. A large-scale joint service exercise was recently conducted by Andaman Nicobar Command. Statement 2. The objective is to validate defensive plans of headquarters ANC towards pursuance of command responsibility. Okay, option number C is correct. Ruchi Kumari also joined in and got the wrong answer. Okay. 4-star mark rank in India is given to Admiral of Indian Navy, Air Chief Marshal of Indian Air Force, Chief of the Research and Analysis Wing, यानी कि रॉक के चीफ को दिया जाता है या फिर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर ऑफ IB who held the okay ऑप्शन नंबर डी was करेक्ट IB नो सी was करेक्ट रॉक के चीफ को दिया जाता है Questions are interesting. Joint military exercises hand in hand held between India, Sri Lanka, India, China, India, Bangladesh, or India, Iran. Hand in hand जो military exercise है वो किस किस के बीच में की जाती है कौन कौन से देशों के बीच में इंडिया के साथ कौन सा देश करता है As India is common in all four options.
ऑप्शन नंबर वही हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। द क्वेश्चन इज रिपीटेड, आई थिंक 100% पीपल शुड गिव द करेक्ट आंसर। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इट इज़ द राइट आंसर। लेट मी टेल यू बिफोर द आंसर पॉप्स अप। ओके 100% पीपल गॉट इट राइट, दैट्स कूल। ओके एक्सरसाइजेस, इंद्र इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज, रशिया इंडिया, इंडिया चाइना एंड इंडिया जापान, यूएसए एंड इंडिया। ओके इंद्र किस किस देश के बीच में होती है भाई एक्सरसाइज? हंड्रेड परसेंट इंडिया, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2020 बिटवीन इंडिया एंड किस किस के बीच में होगी भाई? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर यूएसए? अजय वॉरियर। फिफ्टी परसेंट लोगों ने सही बताया है भाई इसका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन नमस्ते टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन द कंट्री। स्टेटमेंट नंबर टू, अंडर द ऑपरेशन द आर्मी विल हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइट अगेंस्ट द डेडली डिजीज। ओके कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक सही है, दो सही है या फिर दोनों सही हैं? वॉट इज द डी ऑप्शन? डी ऑप्शन मस्ट बी नन ऑफ दिस। ओके ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही हैं। सो दिस इज ओवर। ओके देखो वेबमैक्स इज अ फ्रिक्वेंटली हर्ड न्यूज, दिस टेक्नोलॉजी इज अबाउट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दैट वॉज द क्वेश्चन नंबर टू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल फैसिलिटी कंडक्टेड कमीशन बाई इंडियन नेवी? ओके तारापुर न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है उसकी पूरी डिटेल्स ही आपको मिल गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्विज। ओके जस्ट वन सेकंड गाइस। सो द रेफरल कोड विल बी विकास वन भाई, विकास वन मेरा रेफरल कोड रहेगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अपने प्लस सब्सक्रिप्शन पे विकास वन। ओके भाई तो पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, अगर आप एक बार में पे नहीं कर सकते हो आप EMI से भी आप पे कर सकते हो, EMI पे भी ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। डिफेंस एग्जाम्स क्वेस्ट ये टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो आप, और 12 मंथ्स का सबसे पॉपुलर प्लान होता है भाई, 12 मंथ्स का प्लान सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है तो आप इसको भी ले सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।